कश्यप, जैसे कि आज जो मैंने पेंटिंग किया, जो सैंड आर्ट किया, आप ये मत सोचिए या ये गलतफहमी मत रखिए कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैं हिस्सा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, हमारे देश में बहुत सारे जॉब्स हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं उसके बाद में हमें एक जॉब चाहिए होता है, जैसे कि कोई टीचर बनना चाहता है तो टीचर बनने के लिए उन्हें पहले एक ग्रेजुएट होना जरूरी होता है, या आजकल मास्टर डिग्री करते हैं लोग। उसके बाद में बीएड का क्वालिफिकेशन जरूरी है, डीएलएड जरूरी होता है। उसके बावजूद भी सीटेट का एग्जाम क्रैक करने के बाद ही वो बंदा टीचर बन सकता है। उसके बाद क्या होता है, हाँ, और वही टीचर हमारे डॉक्टर एडवोकेट, क्योंकि वही टीचर का पढ़ा हुआ स्टूडेंट कभी कभी डॉक्टर हो बनता है, एडवोकेट बनता है, इंजीनियर बनता है, यहाँ तक कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर भी बनता है। इसके बाद एमबीबीएस करने के बाद लोग डॉक्टर बनते हैं, वैसे ही बीटेक एमटेक के बाद इंजीनियर्स बनते हैं, और हमारे जो डिफेंस के होते हैं या जो पुलिस ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, वो आईपीएस का एग्जाम क्रैक करते हैं। आईएएस बनने के लिए पहले यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। तो ऐसा बहुत सारे होता है, लेकिन जो हमारा देश का जो जो रखवाली करता है, जो हमारे देश को जो एक जो चलाता है, जिसके हाथ में हम अपने देश को सौंपते हैं, जैसे मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, तो इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक एमपी, एक एमएलए या एक मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सो हम उन्हीं लोगों के, हम बिना सोचे समझे उन्हीं लोगों के हाथ में हम वोट देते हैं। वो क्वालिफाइड है या नहीं है, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं होता है, जस्ट वोट देते हैं। बहुत सारे इलेक्शन के पहले बहुत सारे मिनिस्टर्स हमें लालच दिखाते हैं कि हमें वोट देते, ये मतलब हम ये कर देंगे, हम आपको ये सुविधा दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, और हम उसी लालच में आके उन्हें वोट भी दे देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है या वो कितना क्वालिफाइड है। तो और यही मिनिस्टर्स बाद में जो आईएएस ऑफिसर्स से, आईपीएस ऑफिसर्स से, एमबीबीएस डॉक्टर से, टीचर से, सबके ऊपर रूल करते हैं। उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो मैटर नहीं करता है, मे बी वो अंडरमेटिक ही हो या उससे भी कम क्वालिफाइड हो। तो सोच के देखिए, इतना कम क्वालिफिकेशन लेके एक मिनिस्टर बन जाते हैं, पार्टी में टिकट मिल जाता है। तो पार्टी में टिकट जब देते हैं तो तब क्या उनका क्वालिफिकेशन क्या कोई मैटर नहीं करता है क्या? जब किसी को टिकट दिया जाता है तभी उनका जो क्वालिफिकेशन, जो सर्टिफिकेट से वो वेरीफाई करना चाहिए, या वो कितना क्वालिफाइड है, वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन उन्हें टिकट देना चाहिए। तब जाके हमारा जो देश का जो फ्यूचर है वो इम्प्रूव होगा। कम पढ़े लिखे जो नेता होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, और यही नेता और मिनिस्टर्स जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर एंड डेप्यूटी कमिश्नर एंड जो बड़े बड़े टीचर्स, लेक्चरर्स, सबको रूल करते हैं। तो यही है हमारा देश का ऐसे। तो इसके लिए कौन दोषी है? पब्लिक। तो पब्लिक को चाहिए कि जब वोट दें तो ये पता लगा लेना चाहिए, अब ये पता लगाएं कि वो जिसे वोट दे रहे हैं वो कितना क्वालिफाइड है, उस पर क्या है क्वालिटी, क्या है उसमें टैलेंट, क्या है उसके बाद में, तभी हमारा देश आगे बहुत ही राइज करेगा। नहीं तो फिर हम कोसते रह जाएंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसको वोट दिया था, ये नहीं किया, तो दोषी कौन है? हम खुद हैं। तो इसीलिए वोट देने के पहले, और आज जो मैंने पेंटिंग किया, सेंड आउट किया, उसका थीम यही था एक्चुअली। थैंक यू।